यूपी के संभल में डीएम का नया ऑर्डर सामने आया है। फीमेल टीचर को मैडम नहीं अब दीदी कहा जाएगा। स्टूडेंट फीमेल टीचर को दीदी कहकर बुलाएंगे और मेल टीचर्स को गुरुजी कहा जाएगा। प्राइमरी स्कूल के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया है। इस्तकबाल में बच्चे बोलेंगे नमस्ते या जय हिंद। टी शर्ट नहीं भारतीय ड्रेस में आएंगे गुरुजी, ये भी फरमान जारी हुआ है। संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम के जरिए ये हिदायत दी गई है। ये नया फरमान जारी किया गया है जिसमें अब फीमेल टीचर को मैडम नहीं दीदी कहकर बुलाया जाएगा, स्टूडेंट्स या मेल टीचर्स को गुरुजी कहेंगे। प्राइमरी स्कूल के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया। इस्तकबाल में बच्चे नमस्ते बोलेंगे या फिर जय हिंद बोलेंगे। टी शर्ट नहीं भारतीय ड्रेस में आएंगे गुरुजी, उसको लेकर रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन संभल में डीएम के जरिए ये फरमान दिया गया है और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, सुनील सिंह। सिदोनी का रुख करते हैं। सुनील, आपसे समझना चाहेंगे ये जो नया ऑर्डर आया है किस संदर्भ में आया है, किस वजह से ये ऑर्डर दिया गया है, क्या ये वाजे हो पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र कैसिया, ये खुद भी एक शिक्षक रह चुके हैं। तो जब से इनकी यहाँ पर संभल में तैनाती हुई है, इनका लगातार शिक्षा को लेकर स्कूलों पर खास फोकस है और ये जो स्कूलों में लगातार जा रहे हैं। पीछे एक मामला भी सामने आया जिस स्कूल में पहुंचे थे तो शिक्षक जो थे कैंडी क्रश खेल रहे थे, उन्हें निलंबित कर दिया। अब उसके बाद इन्होंने जितने भी परिषदीय स्कूल है उनके लिए एक नया फरमान जारी किया है। उसका कहना यह है कि स्कूलों में जो भी बच्चे आएंगे वो पूरी तरीके से भारतीय जो संस्कृति है उसके अनुसार वहां पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। वो शिक्षकों को सर या मैडम कहकर नहीं बुलाएंगे, उन्हें बहन जी या फिर इनको दीदी कहकर बुलाएंगे और शिक्षकों को गुरु जी कहेंगे। इन्होंने ये भी कहा है अपने जो उनका लिखित आदेश सभी स्कूलों में पहुंचा है उसमें कहा गया है कि जो भी शिक्षक हैं वो पैंट शर्ट जो मतलब एक पारंपरिक परिधान है भारतीय पहन करके आएंगे, कोई भी जींस या टी शर्ट में नहीं आएगा। इसके अलावा इन्होंने जो शिक्षक के निरीक्षण के लिए स्कूलों में पहुंचते हैं, जो अधिकारी पहुंचते हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की है कि जो भी शिक्षा अधिकारी हैं या बड़े अफसर हैं जब स्कूलों में जाते हैं तो टीचर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे बल्कि शिक्षक के साथ शिष्टाचार के साथ बात करेंगे। लेकिन इसको लेकर के संभल जिले में खास करके जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि खास तरीके की एक गाइडलाइन जारी की गई है जो कि सभी धर्मों के लिए मान्य नहीं है। फिलहाल तरह तरह प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के सामने आ रही हैं, लेकिन जिलाधिकारी का ये कहना है कि हमारा जो खास तो मकसद है कि स्कूलों में पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चों को शिक्षा मिले और बच्चे जो है भारतीय संस्कार उन बच्चों में आए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं वो शिक्षकों को नमस्ते करेंगे और जय हिंद बोलेंगे ताकि उनमें राष्ट्र प्रेम का जज्बा पैदा हो।